एकेटीयू में होगी ऑनलाइन मीटिंग, कौन से छात्रों को होगी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा एकेटीयू एग्जाम से पहले का जो सभी छात्रों के डाउट हैं, जो सभी सवाल कर रहे हैं छात्र, उसको भी उसका भी जवाब देंगे इस वीडियो में। और क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भी बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की पूरी अपडेट। पहले देख लेते हैं ऑफिशियल सर्कुलर क्या, उसके बाद जो छात्रों के डाउट है एग्जाम्स को लेकर, डिग्री को लेकर और फिर उसको लेकर बात करेंगे। इसमें क्या मेंशन है कि ऑल द रिसर्च स्कॉलर आर हेयर बाई फॉर्म दैट द टेंटेटिव शेड्यूल अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ RDC। जी हाँ, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्सटाइल ग्रुप और आर्किटेक्चर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर प्रोग्रेस रिव्यू इट्स अहेड हेवर। जी हाँ, ऑल द स्कॉलर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। जी हाँ, कब कहाँ पहुँचना है, थर्ड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, AKTU के थर्ड फ्लोर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है आपको AKTU के ऑन द शेड्यूल्ड नाइट एट 10 AM। जी हाँ, सुबह आपको 10 बजे पहुँचना है। द रिक्वायर्ड परफॉर्म द ऑफ ऑडिशन डिलेशन ऑफ सुपरवाइजर एक्सटेंशन ऑफ टाइमिंग ऑफ टाइम फॉर PhD स्कॉलर और 5 ईयर रिक्विजिशन ऑफ कोर्स। जी हाँ, जो कोर्स का 5 ईयर ड्यूरेशन होता है एट ATC आर टू सबमिटेड द ऑफिस मेटेरियल, आपको सबमिट करना जरूरी है, ऑफिस में पहुंचना जरूरी है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फॉर RDC। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल भी मेंशन किया है, यहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह दे सकते हैं, फील्ड भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी देखिए, यहाँ पे मेंशन है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे दिख रही होगी और आपका जो फील्ड मैथमेटिक्स है, आपका नाम क्या है, आपका जो ईमेल आईडी क्या है और साथ साथ में आपका डेट ऑफ RDC क्या है। आप अपनी 18/4/2023 से यहाँ पे स्टार्ट है, डेट कितनी है 20/4/23। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें। शेड्यूल आपको, शेड्यूल अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे इन्फोटेक एंड रिसर्च। जी हाँ, जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। और ये फिर बता दूँ, ये टेंटेटिव शेड्यूल अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आई है, बट आपकी जो है ऑनलाइन मीटिंग, सॉरी आपकी जो है मीटिंग रखी गई है, अभी ऑफलाइन शेड्यूल इन्होंने टेंटेटिव निकाला है। और मीटिंग आपको कहाँ जाना है, थर्ड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो AKTU की है, वहाँ पे 10 AM पे पहुँचना है। कौन कौन सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, उसके अलावा छात्रों के जो डाउट है उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उसको पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करता चला, जो कई सारे छात्र कह रहे थे कि सर हमारा ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म रिजल्ट नहीं आया, डिग्री नहीं आया, अवार्ड डिवीजन अवार्ड नहीं हुआ, तो उसको लेकर ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म भर के वेट करिए और स्पैम फोल्डर पे जाके चेक करिए, वहाँ से आपका मेल का रिप्लाई आया होगा, क्योंकि कई सारे छात्रों का रिप्लाई आ गया था 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपका नहीं आया तो एक बार स्पैम फोल्डर में या फिर इंपॉर्टेंट वाले फोल्डर में क्लिक करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई मेल आया तो उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं आया है तो फिर आप AKTU यूनिवर्सिटी जा सकते हैं एक अप्लीकेशन लिख करके, बट मैं कहूँगा, मेरा सजेशन है कि आप सैटरडे संडे को छोड़ के जाइएगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटी उस दिन बंद होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा। सेतु सक्सेना कह रहे हैं सर MBA फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब होगा, COP का। सर देखिए, MBA फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, फोर्थ का पेपर, वो मान के चलिए आपका मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून और लास्ट वीक ऑफ मई। जी हाँ, लास्ट वीक ऑफ मई से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून के बीच में आपका हो सकता है। लेकिन पिछली बार AKTU ने MBA का पेपर सेकंड फेज में करवाया था, तो अगर सेकंड फेज में होगा तो आपका एग्ज़ाम जून के एंड वीक में, लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, और अगर फर्स्ट फेज में होगा तो फिर लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। तो समझ लीजिए, यानी अगर आप फर्स्ट फेज में होता है, हालांकि वैसे तो सिंपली फर्स्ट ही फेज में होता है, तो अगर आपका यही मान के चलिए आपका 25 मई से लेके 10 जून के बीच में आपका शेड्यूल आ जाएगा, यानी उसी के बीच में आपका पेपर होगा। शेड्यूल तो हो सकता है अभी यही अप्रैल के एंड तक में आ जाए। उसके अलावा हाई टेनमी क्या कह रहे हैं कि MCA इंटीग्रेटेड फोर्थ सेमेस्टर कब होगा, MCA का एग्जाम भाई वही सेम होगा, यानी कि 25 मई के आसपास से 10 जून के बीच में आपका भी होगा, ठीक है। और एडवेंचर क्या कह रहे हैं कि क्या बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो। उसके अलावा कार्तिक मित्तल कह रहे हैं सर इवन सेमेस्टर जून या जुलाई में होता है तो दिसंबर में कैसे होगा। जी हाँ, राइट, आप सही कह रहे हैं, वो बाई मिस्टेक था, आप नेक्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए। और सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में होता है और इवन सेमेस्टर का मई जून जुलाई में होता है। उसके अलावा दूसरे जो स्टूडेंट हैं, सिंपी पांडे पूछ रहे, शुड आई डू इंजीनियरिंग फ्रॉम, मेनी स्टूडेंट एडवाइज मी दैट आई शुड डू नॉट फ्रॉम इट। आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है, और आगे कह रहे हैं कि डोंट डू इंजीनियरिंग फ्रॉम AKTU, अदरवाइज यू विल नॉट क्लियर योर पेपर ऑल योर लाइफ, सच वर्ड। अरे सही कह रहे थे कि कुछ डिले होता है एग्ज़ाम में, पेपर में, ऐसा नहीं है बट बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होता है, फाइनल वालों का AKTU एग्ज़ाम करवा देता है। हाँ, डिग्री मार्कशीट का थोड़ा डिले होता है बट
ये कोई AKTU का हाल नहीं है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट उठा के देख लीजिए, सभी में सेशन, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का उठा के देख लीजिए, मानू मौलाना आज़ाद का देख लीजिए, BHU का मुझे नहीं आइडिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो गया, तो AKTU क्या है, तो सभी यूनिवर्सिटी का सेशन कोविड की वजह से लेट चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, इतना हम मानते हैं कि TU में कुछ कई सारे इस वक्त जो है कुछ ज़्यादा कमियाँ आ रही हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इशू नहीं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप पता कर लीजिए सारी चीज़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। सिंह कह रहे हैं लेटरल में डिग्री, भाई डिग्री की स्पेलिंग लिखना सीख लो, तुम डिप्लोमा कर लियो अभी तुम्हें स्पेलिंग भी लिखना नहीं आ रही। कह रहे हैं डिग्री कैसे मिलती है, रेगुलर की डिस्टेंस से, डिस्टेंस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं, अगर आप डिस्टेंस करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, सॉरी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्लासेस करनी होती है, और क्लासेस जब करते हैं तो आपको डिग्री जैसे रेगुलर की मिलती है वैसे ही मिलती है, केवल आपके में सेशन का फ़र्क होता है, वहाँ पर लेटरल और रेगुलर ऐसा कुछ नहीं लिखा, हाँ रेगुलर अगर है तो रेगुलर लिखा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, केवल आपका सेशन, जैसे आपने मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, 2023 में अगर आप एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री, तो जो आपके पहले वाले बैच है 2022 वाले बच्चे होने के साथ में आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि उनका सेकंड ईयर में आ चुके होंगे, तो आपका सेकंड ईयर डायरेक्ट 23 में एडमिशन होगा, तो आपको 23/3/26 में आपकी डिग्री मिल जाएगी, जबकि 22 वाले बच्चों को भी 26 में मिलेगी, तो आपके जो डिग्री पे सेशन लिखा होगा 2023 to 2026 में आपने पास किया है, जबकि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे रेगुलर वाले होंगे उनमें लिखा होगा 2022 to 2026 उन्होंने पास किया, तो आपका एक साल कम हो जाता है, ठीक है, और बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। उसके अलावा यहाँ पे सिंह कह रहे हैं, भाई लेटर बता चुका हूँ, उसके अलावा अर्पित कह रहे हैं इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपका कॉलेज वेरीफाइड नहीं है, अफिलेटेड एजेंसी से आप AKTU से अप्रूवल उन्होंने नहीं लिया है, जो रिन्यूअल फीस होती है उन्होंने सबमिट नहीं की है, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये गारंटी है, पक्का है। हाँ, अगर आपका कॉलेज जाकर रिन्यूअल करवा लेता है, जो अप्रूवल फिर से हो जाता है अफिलेटिंग एजेंसी से, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो आप अपने कॉलेज में एक अप्लीकेशन लिख के सबमिट करिए कि आप जो है अप्रूवल क्यों नहीं करवा रहे हैं, अप्रूवल को लेकर उन्हें फोर्सेस फोर्स कर सकते हैं, और तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो हम और बना देंगे। मैं एक सोच रहा हूँ एक परसेंटेज को लेकर, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं, तो एक वीडियो हम बनाने को सोच रहे हैं, आप लोग बताना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो अपलोड होने चाहिए, जो भी आप लोग कमेंट स्कॉलरशिप में इस वीडियो में ज़रूर कर दें, तो हो सकता है अभी मैं 15-20 मिनट या फिर आफ्टर 7 to 8 PM के आसपास वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, जो भी डाउट है कोई और डाउट हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 25 मई से लेकर जून जुलाई तक में होता है, आप देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बाद में होता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का पहले होता है, तो आप उसके हिसाब से, और बाकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जल्द आ जाएगा, उसको लेकर जल्द जैसे कोई अपडेट आती है 15 से 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है फॉर्म पोर्टल ओपन हो जाए, जैसे कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर।